हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, भारत आने से ठीक पहले चीन विदेश मंत्री के साथ हुआ खेल। अरे वाह, वैंग यी, पता नहीं वैंग यी है कि क्या है, ऑन ओआईसी। तो चलो देखते हैं। अच्छा, उसमें मैं हमने एक न्यूज की थी ना कि ओआईसी की मीटिंग जो वो पाकिस्तान में हो रही है, उसमें पता चला है कि ये जो है, हाँ, चाइना के ये जो क्या कह रहे हैं क्या विदेश मंत्री, वो भी वहां जाके बैठे हैं। जब मैंने वो सुना न्यूज में, मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि ये भी पार्ट है उनके, कि इनको कोई स्पेशल इनविटेशन मिला था या ये बोले नहीं हम भी आएंगे। तो वो सुन के तो मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि ये चल क्या रहा है भाई, ये क्यों इसमें इतना इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो चाइना तो बड़ी गड़बड़े कर रहा है, पर ये कह रहे हैं कुछ हुआ बड़ा खेल, तो देखते हैं कौन सा खेल हुआ है। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी की एक बैठक हुई। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की इस बैठक में पहली बार चीन शामिल हुआ। आपको बता दें कि चीन ओआईसी का सदस्य तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बुलावे पर वो इस बैठक का पहली बार हिस्सा बना, और यही चीन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। चीन ने क्या गलती की, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल ओआईसी की इस बैठक में मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार कश्मीर का रोना रोते रहे। इन सभी के बीच चीन ने भी कश्मीर पर एक बयान दे दिया, जिस पर भारत बुरी तरह से भड़क गया है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कश्मीर पर आज हमने कई इस्लामिक दोस्तों की बातों को सुना, और चीन का भी यही मानना है। चीन के विदेश मंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया, भारत ने बिना समय बर्बाद करे उन्हें लताड़ दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन के इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। अरिंदम बागची ने कहा कि हम ओआईसी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भाषण में भारत के जिक्र की आलोचना करते हैं। बागची ने अपने बयान में आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े मसले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। इस पर चीन या दुनिया के किसी भी देश को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इन देशों को यह समझना चाहिए कि भारत कभी भी किसी देश के आंतरिक मामले में बयान नहीं देता। भारतीय विदेश मंत्रालय के इस बयान में एक बात गौर करने वाली है। इस बयान में भारत ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बकायदा नाम लिया है। आपको बता दें कि किसी बयान में आलोचना करते समय किसी विदेश मंत्री का नाम लेना काफी असामान्य माना जाता है, लेकिन भारत चीनी विदेश मंत्री का नाम लेने से नहीं डरा। ये बात साबित करती है कि भारत इस मामले को लेकर कितना सख्त है। बहरहाल आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री कल रात अचानक भारत पहुंच गए। अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि भारत के कड़े रुख के बाद चीन के विदेश मंत्री क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज कमाल की थी कि पहले तो चले गए वहां ओआईसी की मीटिंग में, जो इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग होती है, इनसे पूछो आप कहां से घुस गए, और वो कह रहे हैं कि भैया स्पेशल इनविटेशन था। भैया क्यों था स्पेशल इनविटेशन, और तुम ही लोगों को ही क्यों मिल रहा है स्पेशल इनविटेशन, बाकी इतनी कंट्रीज हैं। तो गफले तो दिख ही रहे हैं, और वहां जाके उनके सपोर्ट में कश्मीर के इशू पे बात कर रहे हो, जिसमें ना आपका तुम लोगों का लेना ना देना। हाँ, और बहुत अच्छी बात की मैं तो ये कहूंगी कि इंडिया से रिस्पॉन्स आया, और स्पेसिफिकली नाम देके किया, क्योंकि अब हमें अपना जो दिखाने का दुनिया को जो है तरीका, वो चेंज करना पड़ेगा। वो सॉफ्टनेस हमारे में नहीं रहनी चाहिए। किसी ने कुछ गलत हमारे बारे में बोला तो हमें बहुत ब्लंटली जवाब देना पड़ेगा। वो जमाने गए कि हम या तो उसको इग्नोर करें या बड़ा सॉफ्टली उसको रिस्पॉन्स करें, क्यों? अगर हम अपना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आगे वाला बंदा कल को फिर से बोलेगा, जोर से बड़ा गुस्से वाला आंसर देंगे तो 10 बारी सोचेगा और चुप रहेगा, और उसी का नतीजा है कि वो कह रहे हैं कि अचानक से आ गए। सुनने में आ रहा था कि आएंगे, पर ये ऐसे लगता है कि जो भी टाइम या जो भी होना था उससे पहले अचानक कल ही आ गए। क्यों? क्योंकि ये इंडिया ने जो रिस्पॉन्स दिया नाम लेके, भैया ये फलाने फलाने जो है मिनिस्टर, इसने ये चाइनीज मिनिस्टर ने क्यों ऐसे बोला, तो उस वजह से चाइना को हुआ है अब घबराहट मुझे लग रही है, और उस वजह से वहां से ऐसे लग रहा है अचानक यहां आए हैं कि इसको सॉल्व करें। तो भैया गेम तो तुम बड़ी अच्छी खेल रहे हो। मैं तो यही कहूंगी चाइना को कि वहां जाते हो तुम वहां बोल देते हो, अब यहां आके तुम कुछ और बोल दोगे, ऐसे नहीं चलेगा।
इंडिया के इंटरनल मैटर में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, और अगर तुम इसमें बात को बीच में घुसोगे तो यू आर गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल विद इंडिया। और अब जब यहां आए हैं तो इंडिया को बहुत, मेरे ख्याल से तो इंडिया को पहले मना ही कर देना चाहिए था कि दिस इज नॉट द टाइम टू कम, एक स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए था, पर ये आ गए हैं, पता नहीं कैसे आए और क्यों आए हैं, अब क्या होता है, पर स्टैंड अपना बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा क्योंकि चाइना हर जगह जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहा है। वो जहां भी जा रहा है बहुत अजीब सी उसकी मेरे ख्याल से जो है ना हरकतें हैं कि यहां पाकिस्तान में चले गए, वहां पे आप रशिया का सपोर्ट भी कर रहे हो, यहां आप इंडिया को दिखा रहे हो कि आप हमसे मिलना चाहते हो, पर यहां आप हमारे अगेंस्ट कश्मीर के बारे में बोलने लग गए हो, और आप वहां मुस्लिम की जो मीटिंग हो रही है OIC में वहां चले गए हो, और जबकि आपके अपनी देश में आपने जो मुस्लिम्स हैं वहां पे उनका क्या हाल किया हुआ है वो सारी दुनिया को पता है, देख लो क्या चल रहा है। नहीं, जैसा जहां तक मुझे पता है मेरे ख्याल से उन्होंने आना था इंडिया तो, हाँ, पर ये कह रहे अचानक आ गए। हाँ, उन्होंने इंडिया आना था, मगर थोड़े अजीब बात है कि फॉरेन मिनिस्टर जाता है जिस कंट्री में आपको विजिट करना है कुछ दिनों में, उसी के बारे में बुरा बोल देता है, माल है। उसी कंट्री के बारे में बुरा बोला, तुमने जो है एक आध दिन में उसी कंट्री में जाना है, तो तुम क्या मतलब बैकग्राउंड सेट करके वहां पधार रहे हो, और वैसे तुम्हें इतना इतनी चीजों को बैन किया जा रहा है इंडिया में, ऐसा बुरा बैकग्राउंड बनाया, कंटेक्स्ट बनाया, उसमें तुम आ रहे हो तो और बुरे हाल होंगे, और जो है मतलब पता नहीं आ क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आने का रीजन पता नहीं कि क्या मजबूरी है कि आना पड़ रहा है, उसके ऊपर से ऐसा बोल दिया तो, और अच्छी बात है इंडिया ने कॉल आउट किया, भाई तुम ही हो जिसने ये सब किया है। अब आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, अच्छी बात है, इंडिया तो वही बात करेगा भाई जो जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करो, जहां जहां मतलब जो कन्फ्रंटेशन होती रहती है बॉर्डर पे उसकी प्रॉब्लम है, उसके अक्सर चीन की प्रॉब्लम है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हिस्ट्री में देखें तो इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए था जब तिब्बत लिया था। अगर आप कभी देखें ध्यान से कि तिब्बत की क्या उनकी स्क्रिप्ट है वर्सेस चाइनीज स्क्रिप्ट, तो आपको लगेगा, शॉक लगेगा आपको देख के कि हिंदी की तरह है उनकी स्क्रिप्ट। सो पूरे तिब्बत की स्क्रिप्ट हिंदी टाइप है, ऊपर से लाइन जा रही है, ऐसे लिखते जैसे लिखते हैं वैसे हिंदी की स्क्रिप्ट है, और चाइना की आपको पता ही है किस टाइप से वर्टिकल जाती है, तो इतना अंतर है से आपको पता चल रहा है कि एक समय पर डिफरेंट डिफरेंट वो ऑब्वियसली किंगडम्स थे और तिब्बत पूरा अलाइंड था इंडिया के साथ। दुख की बात यह है कि मतलब जब भी वो उन्होंने वहां पे आए हैं लेने के लिए तो इंडिया को कुछ एक्टिव रोल करना चाहिए था कि भाई हम नहीं लेने देंगे, वो किया नहीं है। अब इतना पार्ट जो है वो पूरा उनका हो गया है, और उन्होंने वहां के लोगों का भी माइंड सेट चेंज कर दिया इतने सालों के अंदर, वो तो है ही। और मिस्टर दलाई लामा तो इसीलिए तो बोलते रहते हैं कि ये क्या चल रहा है, मगर अब देखते हैं क्या होता है। अब फॉरन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली एजेंडा क्या था कि क्यों आ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी इतनी राइवलरी हो रही है इतनी। हाँ, ये एक जगह मैंने पढ़ा था कि यूक्रेन की वजह से आ रहे हैं, एक जगह किसी ने लिखा था कि यूक्रेन की डिस्कशन होगी, रशिया और यूक्रेन की डिस्कशन होगी, मतलब बेसिकली वही रशिया के जो इन्वेजन हो रहा है यूक्रेन में उसके बारे में डिस्कशन होगी, तो देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं, टाइम बताएंगे, आ तो गए, पता चल जाएगा, बहुत जल्दी न्यूज आ जाएगी कि क्या करने आए हैं, क्या बातचीत हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।